ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के सबसे नए विकसित किशनगढ़ एयरपोर्ट पर एक बार फिर रौनक लौटेगी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने कवायद तेज कर दी। एयरपोर्ट प्रशासन ने हाल ही में इंडिगो सहित दूसरी एयरलाइंस को इसके लिए पत्र लिखा। किशनगढ़ एयरपोर्ट से जल्द ही इंडिगो सहित दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट बढ़ने की उम्मीद है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हवाई यात्री और विमान संचालन के लिए बाट जो रहा किशनगढ़ एयरपोर्ट एक बार फिर से आबाद होगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट से जल्द ही इंडिगो सहित दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन काफी कम है। एयरपोर्ट से औसतन रोजाना एक फ्लाइट भी नहीं चल रही है। अगले साल यहाँ नई एयरलाइंस के आगमन की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल किशनगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था। अक्टूबर 2018 में यहां से स्पाइस जेट एयरलाइन ने पहली बार फ्लाइट संचालन शुरू किया था। उस दौरान स्पाइस जेट ने 3 फ्लाइट के साथ शुरुआत की थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए फ्लाइट्स की संख्या रोजाना 5 तक पहुंच गई थी, लेकिन वर्तमान में किशनगढ़ एयरपोर्ट से एक सप्ताह में 5 फ्लाइट संचालित हो पा रही है। स्पाइस जेट एयरलाइन यहां से अगस्त में फ्लाइट संचालन बंद कर चुकी है। इसके बाद से किशनगढ़ एयरपोर्ट से केवल स्टार एयर की फ्लाइट ही चल रही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत भी फ्लाइट्स का संचालन नहीं हो रहा। किशनगढ़ से बढ़ेगा फ्लाइट संचालन। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मजबूरी ये है कि छोटे विमान ही लैंड हो सकते हैं। ATR-72 या Q400 या इससे छोटे विमानों की ही लैंडिंग संभव। अधिकतम 90 सीट क्षमता के विमान ही यहां आवागमन कर सकते। किशनगढ़ एयरपोर्ट से शुरू होगी इंडिगो की फ्लाइट्स। इंडिगो एयरलाइन प्रबंधन को एयरपोर्ट प्रशासन ने लिखा पत्र। इंडिगो के पास है सर्वाधिक 35 ATR-72 विमान। ATR-72 विमान के साथ एक साथ 74 हवाई यात्री कर सकते हैं यात्रा। इसी तरह 50 सीटर स्टार एयर के विमान से भी यहां चल सकते। स्टार एयर को भी एयरपोर्ट प्रशासन ने फ्लाइट बढ़ाने के लिए लिखा पत्र। फिलहाल स्टार एयर की ही फ्लाइट किशनगढ़ से हो रही संचालित। एयरपोर्ट प्रशासन ने 30 नवंबर को फ्लाइट संचालन के लिए इंडिगो एयरलाइन को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व में चल रही फ्लाइट्स और उसमें यात्री भार के आंकड़ों का विश्लेषण भी दिया गया। किशनगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट बढ़ाने के लिए अभी हमने इंडिगो एयरलाइंस को लेटर लिखा है, वो मेरी तरफ से लिखा है, एयरपोर्ट डायरेक्टर की तरफ से लेटर लिखा है कि आप अपना फ्लाइट के लिए एक्सप्लोर करें, कहीं से डाइवर्ट करें, तो जिससे यहाँ पे पैसेंजर लोड का कोई इशू नहीं है। पैसेंजर लोड काफ़ी है। यहाँ पे मार्वल एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे यहाँ राइटिंग में लेटर आया है कि आप फ्लाइट चलाएं, लोड का कोई इशू नहीं है। हमने लोड का कंपेरिजन पहले 5-6 फ्लाइट चलती थी, वो लोड डिटेल के साथ हमने इंडिगो को लेटर लिखा है। और एग्जिस्ट अभी जो है स्टार इंडिया ऑपरेट कर रहा है तो उसको भी एक लेटर लिखा है, वो भी कहीं से कुछ उनका नया प्लेन कुछ उनका चल रहा है, प्लानिंग में है, तो उनसे भी हमारी बातचीत की और लेटर भी लिखा है कि आप भी रूट ट्राई करें, यदि कुछ एक्सप्लोर हो सकता है तो आप भी कोशिश करें। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर यात्री भार की कभी भी कमी नहीं रही। किशनगढ़ से संचालित होने वाली फ्लाइट में पूर्व में 90% तक यात्री भार रहा करता था। किशनगढ़ से पहले थी रोज 5 फ्लाइट्स। अगस्त से किशनगढ़ एयरपोर्ट से रोज 5 फ्लाइट थी संचालित। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए थी नियमित फ्लाइट। इन 4 शहरों के लिए स्पाइस जेट एयरलाइन चला रही थी फ्लाइट। अगस्त से स्पाइस जेट ने सभी फ्लाइट कर दी बंद। पहले अल्टरनेट दिनों में सूरत और इंदौर की फ्लाइट भी की थी उपलब्ध। अब सूरत की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन, इंदौर के लिए 2 दिन में चल रही फ्लाइट। वर्तमान में किशनगढ़ से एक सप्ताह में 5 फ्लाइट्स हो पा रही संचालित। किशनगढ़ से हर रोज अब एक फ्लाइट का भी औसत नहीं, अगले साल नई एयरलाइंस के आगमन की उम्मीद। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बड़ी मजबूरी इस बात की है कि यहाँ पर बड़े विमानों का लैंड करना और टेक ऑफ करना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल ATR-72 और Q400 जैसे छोटे विमान ही लैंड हो सकते हैं। ऐसे में ज़्यादातर बड़ी एयरलाइंस यहाँ पर फ्लाइट संचालन करने से कतराती हैं, लेकिन ATR विमान संचालित करने वाली इंडिगो एयरलाइन या स्पाइसजेट एयरलाइन यहाँ से आसानी से फ्लाइट संचालित कर सकती हैं। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के प्रयासों से ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही यहाँ से देश के तमाम बड़े शहरों के लिए फ्लाइट संचालित हो सकेंगी। कैमरा पर्सन इकबाल अली के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, किशनगढ़।